हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ारा ऑनलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूट। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए और एम्स के लिए और जिपमर के लिए। और ज़्यादातर स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में नहीं आ पाता है, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न वाला चैप्टर। और इससे पहले मैंने जो चैप्टर कम्प्लीट कर दिया था वो चैप्टर था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें मैंने पूरे बायोलॉजी का पूरे होल सिलेबस का सारा एक्सट्रैक्ट सारा बेसिक मैंने वहाँ पे कवर कर दिया था। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वो आप चैप्टर जाके पहले पढ़िए, फिर यहाँ पे विजिट कीजिए, तो ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि सॉरी फॉर डिले, लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लास्ट वीडियो मैंने 1 अगस्त को डाली थी, उसके बाद मैं वीडियो आज डाल रहा हूँ, तो मुझे कुछ काम पड़ गए थे। मैंने अपना ऑफिस जो रिकॉर्डिंग रूम जो है नई जगह रेंट पे ली है, नई जगह शिफ्ट किया है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, 1 महीने लगभग लग गए या 1 महीने थोड़ा ज़्यादा हो गए। तो मैं कोशिश करूँ कि अब डिले नहीं होगा। और आपको पता है कि लेक्चर जो है वो अल्टरनेट डे आता है, एक दिन बीच करके आता है, रोज़ लेक्चर नहीं आता है, क्योंकि मुझे भी बहुत काम रहता है, मुझे कॉलेज रहता है, मैं रोज़ कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, फिर सारे नोट्स तैयार करता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न, और ये है लेक्चर नंबर 1 है, और ये पहला दिन है, आज पहला दिन है इस चैप्टर का। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी का क्लास 11th है, चैप्टर नंबर 10, यूनिट नंबर 3। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स एंड इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ करना मतलब ग्रो होना, बढ़ना और रिप्रोड्यूस करना, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एक सेल के अंदर है, जो सेल लाइफ सेल है, जो सेल जिंदा है, जिस सेल के अंदर लाइफ है, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, लिविंग है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म और उस लिविंग सेल का सेल की कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ करना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इंटू 2 with each parental cell giving rise to 2 daughter cells each time they divide। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी सेल है, क्या होता है कि जब भी कोई भी एक सेल है, जब वो रिप्रोड्यूस करेगी तो वो पहले क्या होगा कि 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। पहले एक सिंगल सेल थी, पेरेंटल सेल थी, जब वो रिप्रोड्यूस करेगी तो वो क्या होगा कि वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, और उन दोनों सेल को हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। तो कह रहा है कि ये जो नया daughter cell जो बना parental cell के divide होने से, 2 नई daughter cell जो बनी, अब क्या होगा कि ये daughter cell क्या होगा कि अब फिर से अपने में grow करेगा, क्या होगा, grow करेगा, और ग्रो करने के बाद फिर वो पेरेंटल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो डॉटर सेल पेरेंटल जो सेल में जो कन्वर्ट हो चुकी है वो सेल क्या होगी, दोबारा फिर से डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके एक पूरा एक पॉपुलेशन तैयार कर देगी। क्या करेगी, डिवाइड करके एक पूरा एक पॉपुलेशन तैयार कर देगी। इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। या फिर ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ग्रो करना और डिवाइड करना, ग्रो करेगी सेल, डिवाइड करेगी, ग्रो करके डिवाइड करेगी, और एक पूरा सेल का पॉपुलेशन तैयार हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं इस तरह से हम लोग कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल मौजूद होगी। और वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से तैयार हो रहा है, एक सिंगल सेल से तैयार हुआ वो ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल क्या हो रही थी, पहले सिंगल थी और डिवाइड होकर के ऑर्गेनिज्म तैयार कर लिया उस सेल ने। तो मैं दिखाता हूं आपको एनिमेशन सेल के डिवाइड होते वाला, सेल डिवाइड हो रही है, ये देखिए सेल जो है डिवाइड हो गई, और फिर वो सेल डॉटर सेल डिवाइड हो गई, फिर वो सेल डिवाइड होकर पूरा पॉपुलेशन तैयार कर लिया उसने, ये पूरा एक पॉपुलेशन हो गया नया सेल का। देख सकते हैं सेल है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर सेल डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर लिया, फिर वो डॉटर सेल क्या होगा कि पूरा एक पॉपुलेशन नया सेल का तैयार कर देगी। देख रहे हैं एनिमेशन,
अब बात करते हैं हम लोग सेल साइकिल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस. तो सेल का डिवाइड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जो भी ऑर्गेनिज्म लाइव है, जिंदा है, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि सेल का डिवीजन होता है. तो एक सेल डिवीजन दौरान कह रहा है कि सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए का एक नया कॉपी तैयार होता है. पहले एक सेल थी सिंगल, उसके अंदर एक ही डीएनए था, लेकिन जब सेल साइकिल के प्रोसेस से जब सेल गुजरने लगी तो उसके अंदर जो डीएनए था उस सेल के अंदर, वो रेप्लिकेट करके क्या हो गया, डबल हो गया, दो में कन्वर्ट हो गया. एक से क्या हो गया, वो दो में कन्वर्ट हो गया, डबल हो गया, ठीक है. और जो सेल डिवाइड करने वाली होती है उस सेल के अंदर पहले क्या होता है, डिवाइड करने से पहले एक काफ़ी लंबे वक्त तक ग्रोथ हो देखने मिलती है उस सेल के अंदर. क्या होता है उस सेल के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ देखने मिलता है. ऑल दिस प्रोसेस दैट इज सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू इंजर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कॉन्टेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स. तो कह रहा है ये भी, ये जो सारा प्रोसेस जो है सेल के डिवाइड होने का, डीएनए के रेप्लिकेट होने का, सेल के ग्रोथ होने का, सेल के ग्रो करने का, ये सारा जो प्रोसेस देखने मिल रहा है, ये सारा प्रोसेस जो है एक कोऑर्डिनेट वे में होता है. क्या होता है, कोऑर्डिनेट वे में होता है, एक के बाद एक होता है, मतलब कि एक साथ सारा प्रोसेस नहीं होता, एक के बाद एक प्रोसेस होता है, ये एक कोऑर्डिनेट वे में, स्टेप बाय स्टेप. ऐसा इसलिए होता है ताकि जो प्रोजेनी सेल आएगी आगे, आगे जो नई सेल आएगी उस सेल के अंदर भी उतना ही अमाउंट रह सके सेल, मतलब कि जो पेरेंटल सेल थी, पेरेंटल सेल के अंदर जितना भी अमाउंट था, जितने भी सेल और ली थी उसके अंदर डीएनए का जो अमाउंट था, वो सारा डीएनए का अमाउंट, वो सारा सेल ऑर्गनी जो है प्रोजेनी सेल के अंदर भी उतना ही अमाउंट में रह सके, इसलिए ऐसा होता है. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल टर्म्ड एज सेल साइकिल. यहाँ पे सेल साइकिल जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सेल साइकिल का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. सेल साइकिल डिवीजन डेफिनेशन देख लीजिए कि इवेंट्स, ये जो इवेंट्स है डीएनए के रेप्लिकेट होने का, सेल के ग्रो करने का और सेल डिवीजन का, सेल के डिवाइड होने का, ये सारा इवेंट जो होता है, ये सारा प्रोसेस जो होता है एक सीक्वेंस में होता है. क्या होता है, एक के बाद एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है. तो और उसके बाद जाकर के सेल जो है क्या होता है कि डिवाइड होती है डॉटर सेल में. तो इसी सारा सीक्वेंस वाला प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं सेल साइकिल. आया समझ में? ऑल्सो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ इन ए सेल साइकिल. कह रहा है कि सेल का जो ग्रोथ है, सेल का ग्रोथ से क्या मतलब यहाँ पे, सेल का ग्रोथ मतलब कि न्यूक्लियस का ग्रोथ नहीं होता, सेल का ग्रोथ होने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ. और साइटोप्लाज्म क्या होता है ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वाले चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में. तो सेल का ग्रोथ मतलब कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका ग्रोथ होना. तो ये जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि सेल का ग्रोथ जो होता रहता है लगातार, सेल डिवीजन के दौरान सेल की ग्रोथ होती रहती है. लेकिन सेल साइकिल के दौरान क्या होता है कि डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए का बनना एक खास सेल साइकिल के एक खास एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है डीएनए का सिंथेसिस, ठीक है. तो सेल साइकिल के एक खास स्टेज में, एक स्पेसिफिक स्टेज में क्या होता है, डीएनए क्या होता है कि डुप्लीकेट करता है, डिवाइड करता है. और सेल साइकिल दौरान क्या होता है, पहले सेल का ग्रोथ होता रहता है, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो कह रहा है
कि सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवीजन वाला प्रोसेस चल रहा होता है सेल साइकिल में, तो जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया, मतलब कि सेल जब सेल ग्रो कर रही थी, ग्रोथ करने के दौरान एक खास स्टेज में क्या हुआ, डीएनए क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेटेड हुआ। डीएनए का रेप्लिकेशन होना मतलब कि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो जाना, क्योंकि डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है। डीएनए डबल हो गया तो क्रोमोसोम भी डबल हो जाएगा, ठीक है, दो डीएनए तो दो क्रोमोसोम तैयार हो जाएगा। तो जब रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम था, रेप्लिकेटेड डीएनए जो था, वो क्या होगा कि डॉटर सेल में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब सेल डिवाइड करेगी, जब सेल का डिवीजन होगा। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सारा जो इवेंट्स हो रहा है, ये सारी घटनाएं जो घट रही है, सेल का ग्रो करना, सेल का डिवाइड करना, ये सारी इवेंट जो है ये जेनेटिक कंट्रोल में होता है, ठीक है, जीन्स के कंट्रोल में होता है। इन सेल साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, दिस इज नोन एज ग्रोथ फेज और इंटरफेज। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि सेल साइकिल के दौरान, सेल साइकिल जो पूरी प्रोसेस होती है, सेल साइकिल जो पूरा इवेंट है, सेल साइकिल जो पूरा प्रोसेस है, उसमें से उसके अंदर दो स्टेप होते हैं, एक होता है इंटरफेज वाला इंटरफेज और एक होता है ग्रोथ फेज, मतलब कि इंटरफेज मतलब कि ग्रोथ फेज। एक होता है इंटरफेज या उसको कह सकते हैं हम लोग ग्रोथ फेज, और दूसरा होता है एम फेज मतलब कि माइटोसिस फेज। तो सेल साइकिल के दौरान इंटरफेज और एम फेज की बात करें, तो इंटरफेज और एम फेज में से सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होता है सेल साइकिल के दौरान, वो होता है इंटरफेज। क्या होता है? इंटरफेज, ठीक है। तो इंटरफेज मतलब कि सेल जब जो है क्या हो रही है कि ग्रोथ की तैयार, ग्रोथ ग्रो कर रही है, मत ग्रो कर रही है सेल, क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, मतलब सेल जो है डिवाइड होने से पहले, डिवाइड होने से पहले डिवीजन के लिए तैयारी कर रही होती है, उसको कहते हैं हम लोग इंटरफेज। तो सेल जब सेल डिवीजन की तैयारी कर रही होती है उसको कहते हैं हम लोग इंटरफेज। तो इंटरफेज जो है बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन सेल डिवीजन जो होता है, सेल जब डिवाइड करती है, तो वो बस कुछ ही देर का प्रोसेस होता है, कुछ ही देर लगता है उसमें सेल को डिवाइड होने में। तो जब सेल ग्रो कर रही होती है, डिवीजन की तैयारी कर रही होती है, उसे कहते हैं हम लोग ग्रोथ फेज या इंटरफेज। बिफोर डिवाइडिंग ए सेल मस्ट डबल इट्स मास एंड डुप्लीकेट इट्स कॉन्टेंट सो दैट द न्यू टू डॉटर सेल्स कॉन्टेन ऑल द कॉम्पोनेंट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट विच आर नीडेड टू बिगिन द लाइफ। कह रहे हैं कि सेल डिवाइड होने से पहले, सेल क्या होता है, डिवाइड होने से पहले जब सेल इंटरफेज में होती है, जब सेल ग्रो कर रही होती है, उस वक्त सेल क्या करती है कि सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें मौजूद है, वो क्या करती है, उस चीज़ों को सेल जो है डुप्लीकेट कर लेती है, डबल कर लेती है, ताकि जो आगे जो डॉटर सेल बनेगी उस डॉटर सेल के अंदर भी इतना कॉम्पोनेंट हो सके, ताकि वो डॉटर सेल जो है एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आ रहा समझ में? मतलब कि जैसे सेल के अंदर डीएनए था, सेल डिवाइड होने से पहले उस डीएनए को डबल कर लेगी, डुप्लीकेट कर लेगी, ताकि आगे डॉटर सेल बने उसके पास, उसको भी एक डीएनए मिल सके। सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनली मौजूद है, सेल अपने अंदर की सारी सेल ऑर्गेनली को क्या करेगी, डुप्लीकेट कर लेगी, डबल कर लेगी, ताकि आगे जो डॉटर सेल है उसको भी सेल ऑर्गेनली मिल सके, ठीक है, ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। देन द सेल डिवाइड्स, दिस इज नोन एज डिविजन फेज और एम फेज। तो जब सेल डिवाइड करती है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, डिविजन फेज कहते हैं, या उसको हम कह सकते हैं एम फेज, ठीक है। और एम फेज या डिविजन फेज होता है, ये बहुत थोड़ा देर के लिए होता है, बहुत कम वक्त का प्रोसेस होता है। तो याद रखिए यहाँ पे सेल साइकिल के अंदर चार स्टेज होते हैं, एक होता है जीवन फेज, S फेज और G2 फेज, जीवन फेज, S फेज, G2 फेज और एक M फेज। तो जीवन फेज, S फेज और G2 फेज, ये जो होता है इंटरफेज में इंक्लूडेड है। इंटरफेज के अंदर जीवन फेज, S फेज और G2 फेज इंक्लूडेड है, और M फेज उसके बाद आता है, इंटरफेज के बाद होता है M फेज। तो इंटरफेज मतलब कि सेल का ग्रोथिंग फेज, सेल जो ग्रोथ कर रही होती है, ग्रोथ फेज, सेल का ग्रोथ फेज। देख सकते हैं
ये एनसीईआरटी का फिगर है और यही फिगर आपको एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से देख लीजिए फिगर को और याद कर लीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, ये जो है इंटरफेज है, जिसके इंटरफेज करने में जो फेज होते हैं वो है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, जब इंटरफेज खत्म होगा मतलब सेल का ग्रोथ फेज खत्म होगा तो शुरू होगा M फेज, मतलब कि जब सेल डिवाइड करेगी। M फेज के अंदर भी बहुत से फेज देखने मिलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आ रहा समझ में? समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के अंदर क्या क्या फेजेस होते हैं उनकी बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। ए टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। हाउ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। कह रहे हैं कि अगर एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें हम लोग, सो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, ह्यूमन की यूकैरियोटिक सेल की बात करें हम लोग, तो क्या होता है ह्यूमन का जो यूकैरियोटिक सेल है उसको सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 आवर लगता है। कितना लगता है? 24 आवर, मतलब 24 घंटे लगते हैं। लेकिन सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है कि उसको सेल साइकिल में कितना टाइम लगेगा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप ऑफ सेल में सेल साइकिल का टाइमिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यीस्ट की बात करें अगर हम लोग, यीस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली 90 मिनट्स। तो यीस्ट जो है अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स में, 90 मिनट में, मतलब कि 1.5 घंटे में। तो देख सकते हैं आप लोग, तो सेल साइकिल जो मेन बेसिक फेज होता है वो होता है इंटरफेज और एम फेज। एम फेज मतलब कि माइटोसिस फेज। फिर इंटरफेज के अंदर जो फेज देखने मिलते हैं वो होता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और माइटोसिस फेज के अंदर जो फेज देखने मिलते हैं वो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इंटरफेज और एम फेज। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है इंटरफेस, जिसमें यह है G1 फेस, S फेस और यह है G2 फेस, और ये अपना अलग हो गया M फेस, मतलब कि माइटोसिस फेस। द M फेस रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो कह रहा है एम फेज जो है मतलब कि माइटोसिस फेज, ऐसा फेज है सेल साइकिल का, ऐसा फेज है एम फेज जब सेल एक्चुअली में डिवाइड कर रही होती है। क्या हो रहा है? जब सेल एक्चुअली में डिवाइड कर रही होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, तब कहते हैं हम एम फेज। लेकिन जब सेल जो है डिवाइड करने से पहले, जब सेल ग्रो कर रही होती है, डिवीजन की तैयारी कर रही होती है, उस वक्त को, उस फेज को हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। और एक बात और ये कह रहा है यहाँ पर कि इंटरफेस जो होता है दो एम फेस के बीच आता है, मतलब कि पहले सेल ग्रो की, क्या हुआ इंटरफेस, फिर सेल डिवाइड की, फिर सेल ग्रो की, क्या हुआ दो इंटरफेस के बीच में एम फेस आ गया, या कहते हैं दो एम फेस के बीच में इंटरफेस आ गया। फॉर एग्जाम्पल सेल है पहले ग्रो की, ठीक है, तो हो गया इंटरफेस, फिर सेल डिवाइड कर गई एम फेस, ठीक है, फिर ये सेल ग्रो की, क्या हो गया इंटरफेस, और फिर ये सेल डिवाइड की, क्या हो गया एम फेस। कह सकते हैं एक एम फेस और दूसरा एम फेस, ये दो एम फेस के बीच में आ रहा है एक इंटरफेस, या कह सकते हैं दो इंटरफेस के बीच में एक एम फेस आ रहा है। आ रहा समझ में? इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन
प्रॉब्लम लास्ट फॉर ओनली एन आवर्स. कह रहा है कि ह्यूमन बींग का जो इगोरेटिक सेल है उसका जो सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 आवर लगता है, लेकिन 24 आवर में से सिर्फ एक घंटे या कुछ घंटे ही जो होता है, सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं सेल डिवाइड होने में. बाकी उन कुछ घंटों के अलावा जितना भी टाइम जो होता है वो सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है सेल जब डिवीजन के लिए तैयारी कर रही होती है, जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, मतलब इंटरफेस. द इंटरफेस लास्ट फॉर 95% मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. तो कह रहे हैं यहाँ पर कि सेल साइकिल में जितना भी टाइम लग रहा है उस पूरे टाइम में से 95% से भी ज़्यादा टाइम जो होता है वो लगता है इंटरफेस में, ठीक है. और बचा कुछ जो टाइम है वो कहाँ यूज़ होता है, बचा कुछ टाइम यूज़ होता है एम फेज में. तो 95% से भी ज़्यादा टाइम कहाँ कंज्यूम होता है, इंटरफेस में. The M phase starts with nuclear division, corresponds to the separation of the daughter chromosome, karyokinesis, and usually ends with the division of the cytoplasm, cytokinesis. कह रहा है यहाँ पे जब M phase शुरू होता है तो पहले क्या होता है कि nucleus divide होता है. क्या होता है, nucleus divide होता है. एक cell है उसके अंदर nucleus है. जैसे ही M phase शुरू होगा ना तो पहले क्या होगा कि nucleus divide करेगा, ठीक है. मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड करना मतलब कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियस का डिवाइड होने का प्रोसेस शुरू हुआ मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ. तो पहले क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ऐसे दो न्यूक्लियस हो गया. फिर उसके बाद क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो कहेंगे साइटोकाइनेसिस. तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस. पहले कैरियोकाइनेसिस एम फेज दौरान पहले क्या होगा, एम फेज जैसे शुरू होगी तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, फिर होगा साइटोकाइनेसिस. द इंटरफेस थाउ कॉल्ड रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर. कह रहे हैं कि इंटरफेस जो है उसको हम लोग कह सकते हैं रेस्टिंग फेस कह सकते हैं, ठीक है. मतलब कि जब सेल जो रेस्ट कर रही होती है, आराम कर रही होती है और अपना साइज जो है बढ़ा रही होती है सेल, ठीक है, रेस्ट कर रही होती है और अपना साइज को बढ़ा रही होती है इंटरफेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेस्टिंग फेस भी कह सकते हैं. या कह सकते हैं इंटरफेस जो है वैसा फेज है जब सेल क्या कर रही होती है, डिविजन के लिए तैयारी कर रही होती है, प्रिपेयरिंग फॉर डिविजन. और इंटरफेस के दौरान ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी तैयार होती है इंटरफेस के दौरान ही, एक ऑर्डरली मैनर में, ऑर्डर में, कोऑर्डिनेट वे में. तो यहां पे आप देख सकते हैं इंटरफेस डिवाइडेड इनटू थ्री फर्दर फेज. तो इंटरफेस को भी डिवाइड किया गया तीन फेज में. इंटरफेस के अंदर भी तीन फेज आते हैं, जीवन फेज, जीवन फेज मतलब गैप वन, एस फेज मतलब साइंथेसिस फेज. और एस फेज में ही क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी तैयार होती है. फिर आता है जी टू फेज मतलब गैप टू, समझ में आ रहा है. फिर हम लोग बात करते हैं माइटोटिक फेज के बारे में. अब माइटोटिक फेज जैसे ही शुरू होगा पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. तो कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड किया. तो माइटोटिक में क्या होता है, माइटोटिक फेज में क्या आ गया, कैरियोकाइनेसिस और आ गया साइटोकाइनेसिस. पहले होगा कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसका भी दो प्रोसेस आता है, एक होता है माइटोसिस और मियोसिस. क्या होता है, माइटोसिस, न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो होता है माइटोसिस और मियोसिस. अगर न्यूक्लियस डिवाइड किया, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर क्या था, 46. क्रोमोसोम का नंबर कितना था, 46, मतलब कि 23 का दो पेयर था. मतलब कह सकते हैं 2 into 23, या मैं 23 को कंसीडर कर लिया n. ये ह्यूमन बींग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ह्यूमन बींग के लिए एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर अलग होता है. ह्यूमन बींग का सपोज करते हैं 46 है टोटल क्रोमोसोम नंबर, पेयर की बात करें 23 का पेयर है, 23 को ले लिया n, ठीक है.
तो 2 × n लिख दिया, ठीक है 2 × n। तो यहाँ पे जब माइटोसिस होगा तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है क्या होगा माइटोसिस, जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ माइटोसिस हुआ तो क्या होगा कि दो जो नया न्यूक्लियस तैयार होगा उन दोनों न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो घटेगा नहीं, पहले भी 2n था, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद भी 2n ही रहेगा, नए न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम का नंबर 2n रहेगा। लेकिन मियोसिस में क्या होगा कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो मियोसिस के दौरान क्या होगा कि क्रोमोसोम का नंबर जो आधा हो जाएगा, पहले 2n था अब हो जाएगा n, क्या हो, पहले 2n था अब हो जाएगा n, मियोसिस, मियोसिस के दौरान अगर सेल डिवाइड कर रही, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा माइटोसिस से, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा, पहले भी 2n था बाद में 2n रहेगा, ठीक है। लेकिन जब सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड करेगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले 2n था लेकिन सेल डिवाइड होने के बाद, न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा वो 2n से n हो जाएगा मियोसिस में, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का दो तरीका है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का दो तरीका है, एक है सेल फरो मेथड और एक है सेल प्लेट मेथड, ठीक है। तो सेल फरो मेथड देखने मिलता है हम लोग को एनिमल सेल में, मतलब कि साइटोकाइनेसिस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, एनिमल का सेल है, एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है सेल फरो मेथड से, लेकिन प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है सेल प्लेट मेथड से। तो सेल फरो मेथड और सेल प्लेट मेथड सब हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, द इंटरफेस इज द मोस्ट एक्टिव फेस ऑफ द सेल साइकिल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी फेस। तो सेल साइकिल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे एक्टिव फेस जो होता है वो होता है इंटरफेस, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव फेस, क्योंकि सेल इस फेज में क्या हो रही होती है, सेल पूरी तरह से एक्टिव होती है, अपने सारे कॉम्पोनेंट को डुप्लीकेट कर रही होती है, सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गली मौजूद है सभी सेल ऑर्गली का सेल जो अपने क्या कर रही होती है, नया कॉपी तैयार कर रही होती है, डीएनए का भी नया कॉपी तैयार कर रही होती है, तो बहुत एनर्जी खर्च होता है, तो इंटरफेस को हम लोग एनर्जी फेज भी कह सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द मियोसिस एंथर ऑफ फ्लावर, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर मियोसिस की स्टडी करनी है तो मियोसिस की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट जगह, सबसे बेस्ट पार्ट है वो है एंथर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो एंथर होता है वो। और अगर स्टडी करना है माइटोसिस का तो माइटोसिस की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट पार्ट जो देखने मिलेगा वो है रूट टिप सेल ऑफ ओनियन, ओनियन का रूट टिप का जो सेल है, ओनियन है, ओनियन का जो रूट टिप पे जो सेल है, रूट टिप वाला जो सेल है वो, वहाँ पर माइटोसिस की बेस्ट स्टडी की जा सकती है। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 था ये सेल साइकिल सेल डिवीजन का। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, जो बैकग्राउंड सारे नोट्स आ रहे हैं, तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.zearafacademy.tk, और वहाँ पे इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, हाँ चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।